दोस्तों आज के समय में हमारे पास एक बेस्ट मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसमें आपको मल्टीपल्स फंक्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको ऑटो स्विच का फंक्शन मिल जाता है। अभी हमने पावर को स्टार्ट किया है और 10 सेकंड का टाइम सेट किया है। जैसे ही 10 सेकंड आपके कंप्लीट होते हैं, आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। देखिए, इसमें ड्राई रन का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। यदि आपकी मोटर खाली रन करती है तो उस कंडीशन में ड्राई रन के प्रोटेक्शन के द्वारा आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और सिंगल फेस प्रिवेंशन भी मिल जाता है। यदि आपका कोई एक फेस फेल होता है तो फेस फेल होने की कंडीशन में भी आपकी मोटर वहां पर स्टॉप हो जाएगी। साथ ही साथ आपको साइक्लिक टाइमर का फंक्शन भी मिल जाता है। यदि आप चाहते हैं 1 मिनट तक आपकी मोटर रन करना चाहिए, फिर 2 मिनट तक मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, जितना भी टाइम आप सेट करना चाहते हैं, साइक्लिक टाइमर का फंक्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये हमारे पास एक बेस्ट मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट करना होगा समझ लेते हैं। देखिए, हमने एक मोटर स्टार्टर कनेक्ट किया है, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है और ये हमारे पास एक वुकार कंपनी का बेस्ट मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। किस तरह से इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाएगा, किस तरह से वर्किंग होगी, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले। साथ में ही आपको एक करंट ट्रांसफॉर्मर या सीटी भी मिल जाता है जिसके जरिए आपका जो करंट का मेजरमेंट होता है आपका डिवाइस में होता है। चलिए सबसे पहले हम डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो डिवाइस में आपको 2 LED स्क्रीन्स दी गई है। फर्स्ट स्क्रीन पर आपके डिवाइस में कितना वोल्टेज आ रहा है शो होता है। सेकंड स्क्रीन में कितना एम्पेयर मोटर के द्वारा लिया जा रहा है, एम्पेयर शो होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज फर्स्ट स्क्रीन पर। अभी मोटर स्टॉप है तो एम्पेयर वहाँ शो नहीं कर रहा और एम्पेयर आपको सेकंड स्क्रीन पर मिल जाता है। 3 LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। फर्स्ट आपको पावर इंडिकेटर दिया गया। यदि आपके 3 फेज प्रॉपर आ रहे है तो पावर इंडिकेटर ब्लिंक होगा। सेकंड आपको हेल्थी इंडिकेटर दिया गया है। यदि आपकी पावर प्रॉपर आ रही है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो हेल्दी का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। यदि कोई ड्राई रन के कारण आपकी मोटर स्टॉप होती है या ओवरलोड के कारण मोटर स्टॉप होती है तो वहां पर फॉल्ट का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। ठीक है, आपको टोटल 3 इंडिकेटर्स दिए गए हैं और कंट्रोलर में हमें 3 कीज दी गई है, ड्राई रन की, ओवरलोड की और टाइमर की। ठीक है, किस तरह से इन कीज का वर्किंग रहेगा, किस तरह से हमें सेट करना होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले ड्राई रन देखिए, ड्राई रन को आपको लॉन्ग प्रेस करना है। देखिए, ड्राई रन का एम्पेयर आपको यहाँ पर सेट कर देना है, कितने एम्पेयर पर आपकी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। यदि ड्राई रन से कम आपकी मोटर करंट लेगी, दैट मीन्स वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, तो जितना भी एम्पेयर आप सेट करना चाहे ड्राई रन में सेट कर सकते हैं। यदि आपकी मोटर उस एम्पेयर से कम करंट लेगी तो उस कंडीशन में आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी और ड्राई रन का टाइम हमने 10 सेकंड सेट किया है। ठीक है, यदि उतना एम्पेयर हमारी मोटर 10 सेकंड तक लेती है, देखिए 10 सेकंड तक वेट करेगी। यदि 10 सेकंड तक हमारी मोटर जो हमने सेट किया उससे कम एम्पेयर लेती है तो हमारी मोटर वहां पर स्टॉप हो जाएगी, आपकी मोटर कभी भी खाली नहीं चलेगी। देखिए, ड्राई रन की आप सेटिंग इस तरह से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, जितना भी एम्पेयर आप सेट करना चाहे। देखिए, बट ड्राई रन की जो सेटिंग रहेगी वो ओवरलोड से कम रहेगी, इसका हमेशा ध्यान रखना है। जितना आपने ओवरलोड सेट किया उससे ज़्यादा कभी भी ड्राई रन सेट नहीं होगा। ओवरलोड के लिए देखिए कितना एम्पेयर आपकी मोटर ने लेना चाहिए ताकि आपकी मोटर ओवरलोड पर स्टॉप हो जाए, आपकी मोटर जले नहीं, इसका ध्यान रहे। तो ओवरलोड के लिए आप मैक्सिमम 50 एम्पेयर तक करंट सेट कर सकते हैं। जितनी भी मोटर आपका ओवरलोड करंट है उसका ओवरलोड करंट आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। अभी फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम यहाँ पर 3 एम्पेयर ओवरलोड में सेट किया है और 10 सेकंड यहाँ पर सेट किया। 10 सेकंड बाद यदि हमारी मोटर उतना करंट लेती है तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ऑटो स्टार्ट टाइम सेट करना होगा। यदि आपकी पावर आती है तो पावर आने पर आपकी मोटर ने कितने सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए, यह बेसिकली ऑटो स्विच का फंक्शन है। ठीक है, ये जो टाइमिंग रहेगी ये सेकंड में रहेगी। देखिए, ऑटो स्टार्ट टाइम हमने 10 सेकंड सेट किया है और देखिए ऑन ऑफ टाइम, यदि आप साइक्लिक टाइमर का फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो आपकी मोटर ने कितने टाइम तक ऑन रहना चाहिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये टाइम आपका मिनट में रहेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि 10 मिनट तक हमारी मोटर रन करें और साइक्लिक टाइमर में ऑफ टाइम भी आप सेट कर सकते हैं।
कितने मिनट तक, ये टाइम मिनट में रहेगा, कितने मिनट तक फॉर एग्जांपल आपने 300 सेट किया है तो 5 आवर तक आपकी मोटर वहां पर स्टॉप रहेगी। 5 आवर के बाद जो भी आपने ऑन टाइम सेट किया है उतने टाइम तक आपकी मोटर रन करेगी, फिर अगेन स्टॉप हो जाएगी। यदि आपको साइक्लिक टाइमर का फंक्शन यूज करना है तो आप साइक्लिक टाइमर का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, यदि आपको यूज नहीं करना है तो आप 1 सेट कर दीजिए। ठीक है, देखिए अभी हमने 1 मिनट सेट किया है, 1 मिनट तक हमारी मोटर ने रन करना चाहिए, फिर 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाना चाहिए। चलिए पावर को ऑन किया है, आप यहाँ पर काउंटर में भी देख सकते हैं हमारे जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर कितनी एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रहा है। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा आपकी मोटर वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। 1 मिनट के लिए हमने ऑन टाइम सेट किया है, 1 मिनट तक हमारी मोटर ऑन रहेगी और जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होता है आपकी मोटर वहां पर 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाएगी। हमने 2 मिनट स्टॉप टाइम सेट किया है, आप जितना भी टाइम सेट करना चाहे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है बोरवेल में, देखिए 1 मिनट के बाद स्टॉप हो गई है, बोरवेल का आप एग्जांपल समझिए, बोर में क्या होता है 5 आवर में या 3 आवर में कुछ ना कुछ पानी आ जाता है। अब आप चाहते हैं कि 5 आवर में जितना पानी आया है वो मोटर खींच ले, उसके बाद बोर खाली हो जाए, तो 5 आवर के बाद आप सेट कर दीजिए आपकी मोटर ने कितने टाइम के लिए ऑन होना चाहिए, उतने टाइम के लिए आपकी मोटर ऑन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अगेन 5 आवर के बाद आपकी मोटर स्टार्ट होगी और जितना टाइम सेट किया उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। अभी देखिए हमने 2 मिनट स्टॉप टाइम सेट किया है, 2 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो गए हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है, अब जितना आपका ऑन टाइम है उस ऑन टाइम के अकॉर्डिंग आपकी मोटर रन करेगी। तो बेसिकली साइक्लिक टाइमर का फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। यदि साइक्लिक टाइमर को आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसमें 1-1 सेट कर दीजिए, साइक्लिक टाइमर आपका ऑफ हो जाएगा। चलिए अब डिवाइस का कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, डिवाइस के पीछे आपको कुछ इस तरह से टर्मिनल्स दिए गए हैं और डिवाइस के साथ आपको एक सीटी भी कनेक्ट करना होगा। चलिए सबसे पहले हम पावर वायरिंग कर लेते हैं। देखिए RYB हमारा MCB में आ चुका है, पावर MCB का जो आउटपुट रहेगा सीधा हमारे कॉन्टेक्टर में या स्टार्टर में जाएगा और स्टार्टर से RY और B हमारे यहाँ पर मोटर टर्मिनल्स में आएंगे। देखिए R फेज जो होगा उसे आपको CT के अंदर से होते हुए लेना है, आप कॉन्टेक्टर के आउटपुट का कोई भी एक फेज ले सकते हैं, हमने R फेज लिया है। ठीक है, R फेज को CT से होते हुए लिया है, Y फेज को डायरेक्ट मोटर में कनेक्ट किया है और B फेज को भी हमने मोटर में कनेक्ट किया है। चूंकि हमें हमारी मोटर का एम्पियर मेजर करना है इसके लिए हमने यहाँ पर CT कनेक्ट किया है। ठीक, अब हमें कंट्रोलर में 3 फेज कनेक्ट कर देना है, तो सबसे पहले 7 नंबर टर्मिनल पर R फेज कनेक्ट कर देना है, 8 नंबर टर्मिनल पर Y फेज कनेक्ट कर देना है और 9 नंबर टर्मिनल पर B फेज कनेक्ट कर देना है। देखिए कंट्रोलर में हमने 3 फेज कनेक्ट कर दिया है, अभी हमारी यहाँ पर कंप्लीट पावर वायरिंग हो चुकी है, अब हमें कंट्रोल वायरिंग करना है। ठीक है, तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आप कोई भी एक फेज यहाँ से ले सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल R फेज यहाँ से ले रहे हैं और फेज को सबसे पहले आपको स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। देखिए स्टार्ट पुश बटन में फेज आ चुका है, स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा वो स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट में जाएगा और स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा, जैसे ही आपने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया यहाँ से फेज निकलेगा और इसे आपको N में कनेक्ट कर देना है, जो 5 नंबर टर्मिनल है N में इसे कनेक्ट कर देना है और जो इसका V रहेगा वह इसका आउटपुट रहेगा। ठीक है, यदि सभी कनेक्शन आपके प्रॉपर हैं, पूरी तरह से आपका मोटर स्टार्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो जो 5 नंबर N की सप्लाई वो V से निकलेगी और जाकर आपके स्टार्टर को ऑपरेट करेगी। ठीक है, यदि कोई भी फॉल्ट होता है या ड्राई रन या ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है उस कंडीशन में सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी, तो ऑफ पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा उसे आपको N में कनेक्ट कर देना है और जो V रहेगा उससे आपको यहाँ पर आपके स्टार्टर को ऑपरेट कर देना है। ठीक है, स्टार्टर में फेज आ चुका है, अब जो न्यूट्रल रहेगा उसे हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टर यहाँ पर ऑपरेट हो चुका है, अभी हमें ऑटो स्विच का फंक्शन भी देना है। हमारा स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए यदि हमने उसमें टाइम सेट किया है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ही पावर आती है 10 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद जो भी हमने टाइम सेट किया है उस टाइम पर हमारे स्टार्टर ने ऑटो स्विच की तरह भी वर्क करना चाहिए, ऑटोमेटिकली स्टार्टर को स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका स्टार्ट पुश बटन है स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से एक कनेक्टर लेना है और इसे S1 में कनेक्ट कर देना है, स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से आपको एक कनेक्टर लेना है और इसे 4 नंबर पॉइंट S2 में कनेक्ट कर देना है। यहाँ से अब आपका जो स्टार्टर है वो ऑटो स्विच का फंक्शन भी उसमें आ चुका है।
ठीक है, तो हमारा S1, S2, N एंड V का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें CT का कनेक्शन करना है ताकि एम्पेयर को मेजर किया जा सके। तो CT में देखिए, आपको यहाँ पर रेड वायर दिया गया है, ये S1 होता है, और जो ब्लैक वायर दिया गया है S2 होता है। तो रेड वायर को आपको CT1 नंबर का जो टर्मिनल है 10 नंबर पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। आप CT का जो सेकंड नंबर टर्मिनल रहेगा उसे आपको 11 नंबर पॉइंट CT2 में कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। हमें स्टार्टर को होल्डिंग प्रोवाइड करना है। होल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, जिस तरह नॉर्मल ड्यूल स्टार्टर में होल्डिंग दी जाती है उस तरह से नहीं देना है। होल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, जस्ट जो आपका स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन है, इसके यहाँ सेंटर से जो आपकी होल्डिंग सप्लाई होती है उस होल्डिंग सप्लाई को आपको कनेक्ट करना है सेंटर से, और इसे आपको जो स्टार्टर का आउटपुट है किसी भी एक फेस पर कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, जब आपका कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तभी यह सप्लाई आएगी और उसे यहाँ से होल्डिंग मिल जाएगी, जिससे हमारा स्टार्टर यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको होल्डिंग कनेक्शन भी कर देना है। और इसमें आपको एक ऑटो मैनुअल का स्विच भी दिया गया है। यदि आपने इसे ऑटो पर सेलेक्ट किया है तो आपका टाइमर का फंक्शन भी वर्क करेगा, प्लस जो प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। यदि आपने इसे मैनुअल पर सेट किया है तो आपके जो मोटर के जो प्रोटेक्शन है वह तो वर्क करेंगे, बट टाइमर का फंक्शन मैनुअल में वर्क नहीं करेगा। यदि आप इस कंट्रोलर को बाईपास करना चाहते हैं तो बाईपास भी कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको कोई भी प्रोटेक्शन वर्क नहीं करेगा और टाइमर भी वर्क नहीं करेगा। यदि आपको इसको ऑटो में स्टार्ट करना है तो आप ऑटो में स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको इसको मैनुअली स्टार्ट करना है पुश बटन के जरिए तो मैनुअली भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। यदि आप इसे ऑफलाइन या बल्क अमाउंट में परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसे बल्क अमाउंट में भी परचेस कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्रोटेक्शन डिवाइस आपके बहुत काम का है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।